नमस्कार आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं दिकरी टॉक शो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में विपक्ष के सांसदों को संसद से निष्कासित कर दिया गया है। शीतकालीन सत्र के लिए यह निष्कासन हुआ है, जिसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर विपक्ष के सभी सांसदों ने धरना दिया और सेव डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट के नाम से इस धरने का आह्वान कांग्रेस की दिल्ली इकाई द्वारा किया गया, जिसमें सभी लोग शामिल हुए और तमाम विपक्ष के सांसद मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी की तरफ से मुरादाबाद के सांसद और लोकसभा में नेता सदन माननीय डॉक्टर एस टी हसन साहब इस धरने में शामिल रहे। वहां पर उन्होंने क्या कुछ कहा आपको इस वीडियो में हम सुनाएंगे। आइए देखते हैं उनकी ये जानदार तकरीर। इस आप अनाउंस कीजिए उनके आने का, मैं 2 सेकंड में। और ये कभी किसी से नहीं घबराए, चाहे आंधी आए तूफान आए, लेकिन इन लोगों ने देश की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए अपने जान तक की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे हैं। तमाम ही मेरे साथियों, प्रेस के साथियों, हम ये निलंबन 146 सांसदों का नहीं हुआ है, निलंबन हुआ है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का निलंबन हुआ है। देश की सर्वोच्च पंचायत, डेमोक्रेसी की सर्वोच्च संस्था के अंदर बुलडोजर चला दिया गया। उस बुलडोजर का सैंपल आपने देखा और उसका मैसेज यही है कि आवाज मत उठाना, सवाल मत पूछना, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ये हशर किया जाएगा। आज देश की परिस्थितियों से गुजर रहा है वो प्यार मोहब्बत, गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद आज किस जगह पर है, सांप्रदायिक सौहार्द को कितना बड़ा खतरा है। देश की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमान आज फिक्रमंद है कि हमारी नस्लों का क्या होगा, हमारा क्या होगा, क्या ये वही बापू का देश है जिसके लिए हम सब ने मिलकर, हिंदू मुसलमानों ने कुर्बानियां दी थी। आज इस देश के खतरे को हम और आपको चुनौती है, हमें इससे लड़ना है और इन्हें भगाना है, क्योंकि वक्त बहुत कम है। एक शेर के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि दौरे हयात आएगा, दौरे हयात आएगा, कातिल कजा के बाद है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डीएमके के फ्लोर लीडर और सांसद।